द ग्रेट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में जो मैंने पहले सीरीज चालू करी थी एक्सप्लेनिंग अबाउट कंप्यूटर पार्ट्स, उसी का पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 3 में ज़्यादातर मैं सिर्फ और सिर्फ एसेसरीज के बारे में बताऊँगा, और वो एसेसरीज का मतलब हुआ जैसे आपका माउस हो गया, या फिर कीबोर्ड हो गया, या फिर आपका इवन वेबकैम हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जैसा मैं स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक वेबकैम का इमेज है। इस वेबकैम का नाम है इंस्टालिंक 360। ये एक ऐसा वेबकैम है जो कि AI के ऊपर काम करता है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको कहूँ कि अगर मैं ना पाम ऐसे नीचे करूँ, तो उसका जो वेबकैम का कैमरे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा, क्योंकि कैमरा ने और जो सेंसर्स है उन्होंने ट्रैक कर लिया है कि मेरा हाथ नीचे गया है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे को भी नीचे जाना चाहिए। और जैसा आप इधर ये ग्रीन कलर की लाइट देख रहे हो, इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये ग्रीन कलर की लाइट अभी करंटली दिखाती है कि ये अभी ऑन है। ब्लू कलर की लाइट जब आएगी तो इसका मतलब है कि वो करंटली रिकॉर्ड कर रहा है, और रेड कलर की लाइट जब आएगी तो इसका मतलब है कि अभी इसका कोई काम नहीं है और ये बंद हो रहा है। सेकंड, आप जैसा अगर देख सकते हो, इसमें एक हिंज डला हुआ है। हिंज मतलब कि एक ऐसा पार्ट जो कि घूम सकता हो, सेम टू सेम जैसे हमारे कार के व्हील्स में होता है, वो बार बार से ऊपर नीचे एक बियरिंग की तरह घूम सकते हैं उसके व्हील्स, सेम इसमें जैसा होता है। अगर हमें कोई काम नहीं है और हम उसको सिर्फ ऐसे एक पाम दिखाएं, तो इसका जो कैमरा है वो पीछे की तरफ घूम जाएगा और इसका जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाएगा ताकि कोई इसमें देख ना सके। और फन फैक्ट, जैसे इमेज आप अभी अपनी स्क्रीन पर करंटली देख पा रहे हो, ये दुनिया का सबसे पहला वेबकैम है। इसका नाम है ट्रोजन रूम कॉफ़ी पॉट। ये 1991 में एक बंदे के द्वारा बनाया गया था इंग्लैंड में, पॉल जार्डेट्स्की। पॉल जार्डेट्स्की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता जो कि कैम्ब्रिज में थी। वो कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में उसने टेक्स के रिगार्डिंग पढ़ाते थे, और उसी ने अपनी टीन एजर्स में, जब वो 25 ईयर्स का था, तभी उसने एक वेबकैम डेवलप कर लिया था जिसका नाम था ट्रोजन रूम कॉफ़ी पॉट। इसका नाम ट्रोजन रूम इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक तरीके का बहुत मिस्टीरियस वेबकैम था, क्योंकि हमें जहाँ तक हमने आज तक देखा है वो कैमरा से रिकॉर्डिंग करता है, फिर फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन इसने जो रखा वो एक सिर्फ और एक अपने कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर रख दिया, और जिसके कारण एक वेबकैम बना, तो इसलिए इसका नाम ट्रोजन रूम भी रखा गया। सेकंड, माउस। माउस का मतलब है कि ये एक तरीके के आपके मॉनिटर में फिंगर है। फिंगर जैसे अगर आप अपने लैपटॉप पे या फिर अपनी जो टचेबल लैपटॉप होते हैं, जिनकी टचेबल स्क्रीन होती है, और या फिर इवन एंड्रॉयड डिवाइस या फ़ोन पे अगर आप उनको छूते हो, तो फिर अपनी फिंगर के थ्रू छूते हो, वो तभी काम करता है, क्योंकि जो स्क्रीन होती है उसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं और उसके अंदर एक मैग्नेटिक शीट होती है। वो मैग्नेटिक शीट जो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट होती है, तो एक फ्यूजन तैयार होता है। वो फ्यूजन अपनी हमारे एप्लीकेशन को बताता है कि हमें कहाँ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन अगर हमारी जो स्मार्ट वॉचेज़ है, स्मार्ट वॉचेज़ पर अगर हम इसको भी क्लिक करेंगे, तो उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक शीट होती है जिसके कारण उसको पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो तभी एक फ्यूजन होता है। बट माउस में ऐसा अलग होता है। माउस में एक एरो होता है जो कि अलग अलग चीज़ों पे उसकी शेप बदलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी भी क्लिक करना हो तो वो उसकी शेप अलग हो जाएगी, या फिर हमें रूम घूमना हो तो उसकी शेप अलग हो जाएगी। सेम टू सेम एक बटन की तरह होता है। अगर हम बटन दबाते हैं तो तभी काम करता है। अगर हमने इसको जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक करा तो कुछ काम नहीं होगा, लेकिन अब हमने क्लिक करके स्क्रॉल करा तो ये जूम एंड जूम आउट होता है। सो हेयर इज अनदर फन फैक्ट अबाउट इट। जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे पहला माउस है। इस माउस में सिर्फ एक ही बटन था जिसका काम था उसी पॉइंट को दबाना, ना कि राइट क्लिक, जैसे हमारे माउस में आजकल राइट क्लिक होता है और लेफ्ट क्लिक होता है। लेफ्ट क्लिक का काम है कि वो ताकि एक पर्टिकुलर चीज़ पे जाके टैप करे और वो चीज़ हमारे पास है, और राइट क्लिक का मतलब है कि वो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे। और ये बीच में होता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का काम होता है कि हमें अगर पेज में अप एंड डाउन जाना हो, या फिर अपने फाइल्स में अप एंड डाउन जाना हो, स्क्रॉल बटन उस काम पर आता है। और जैसा आप इसे देख सकते हो, ये एक मेटल का एक बैरल है। बैरल मतलब कि जो आपने ब्लू कलर के पॉट्स देखे ना, जिसके अंदर पानी भरा रहता है प्लास्टिक का, सेम उसके जैसी शेप होती है। क्या होता है, इधर जो ये पार्ट है, इधर एक शीट होती है जो कि बहुत पतली होती है, और जब इसकी मूवमेंट होती है, और एक और बात, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे जा सकता था, ना कि ऐसे, सिर्फ और सिर्फ ये हॉरिजॉन्टली जाता था, ना कि वर्टिकली। क्योंकि इसमें हमारे जो स्फेयर की जगह सिलेंडर यूज हुए हैं,
और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सिर्फ सिर्फ लेज़र यूज़ होती है, तो वो फ्लीरी कहीं पे भी घूम सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे सिलेंडर यूज़ होते थे, वो सिलेंडर्स में एक इधर एक शीट डलती थी और जब भी उसकी मूवमेंट होती थी वो स्क्रीन पर कैप्चर होती थी, और घर में कुछ भी क्लिक करना होता था सिंपली ये रेड कलर का बटन क्लिक करना होता था। और इसका नाम था डॉगलस एंगलबार्ट। इस बंदे ने दुनिया का सबसे पहला माउस बनाया था, वो भी 1963 में। 1963 में इतना पुराना जो माउस था वो भी एक बहुत ही रेयर बात थी कि इतने पुराने टाइम में एक आपने माउस बना दिया, क्योंकि तब के ज़माने में टेक्नोलॉजी भी इतनी खास नहीं होती थी। और इसमें भी इसने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, क्योंकि इसमें से एक वुड का ब्लॉक लगा, उसमें एक आपने क्या कहते हैं एक पीस ऑफ पेपर रख दिया और उसके नीचे एक बैरल लगा दिया, सेम टू सेम एक तरीके का कार्ट की तरह। कार्ट का मतलब जो आपने देखा ना भैंस गाड़ी का जैसे होता है, सेम टू सेम वैसा जैसे घूमता है, तो उसकी तरह सेम टू सेम इसका सिलेंडर घूमता है। नाउ नेक्स्ट, जो भी आप अपनी करंटली स्क्रीन पे देख रहे हो ये है अभी करंटली जो कीबोर्ड यूज होते हैं। कीबोर्ड्स का काम क्या होता है, कुछ भी वर्ड को टाइप करना या फिर कोई भी नंबर को टाइप रखना या फिर किसी भी लाइन से एंटर नीचे होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाते हैं, फिर इवन एक एप्लीकेशन खुलती है। सेम तो अगर सिर्फ एक माउस का काम करें तो माउस से इतना नहीं होता है, हम अगर हमें विंडोज़ खोलना हो तो विंडोज़ में जाके पहले इधर से क्लिक करो तभी खुलता है। बट कीबोर्ड में क्या होता है, विंडोज़ का बटन दबाया एंड विंडोज़ खुल गया। सेम टू सेम अगर आपको कोई अपनी टैब स्विच करनी हो, सो सिंपली कंट्रोल प्लस टैब दबाया आपकी टैब मुड़ गई, दैट्स इट। सो अभी मैं आपको उसके बारे में एक फन फैक्ट बताऊंगा। ये जो भी आप करंटली अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये है दुनिया का सबसे पहला कीबोर्ड, IBM मॉडल F। मॉडल F का मतलब है कि ये दुनिया का सबसे पहला कीबोर्ड था जिसमें मैकेनिकल कीज लगी थी, ना कि डिजिटली। डिजिटली का मतलब है कि अगर जैसे आजकल के जो कीबोर्ड होते हैं उनके अंदर की तरफ एक मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड पे जब भी अगर आप एक पर्टिकुलर प्रेशर डालते हो तो वो पर्टिकुलर इवेंट काम होता है। बट मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में एक वायर होती है, वो वायर से करंट पास थ्रू होता है और उसी करंट के पास थ्रू से सबसे टॉप पे एक मेन कंप्यूटर या फिर एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो उसको कंडक्ट करता है कि हमने कौन सी की डाली। फिर जब वो कंडक्ट होगा तो एक वायर के थ्रू वो हमारे कंप्यूटर में जाता है। सेम टू सेम कुछ ऐसा कह लो कि अगर हमने ऐसे बैंक करा तो वो बैंक पहले हमने उसको टच करा फिर उसकी जो वाइब्रेशन होगी वो हमें सुनाई थी। बट की इलेक्ट्रॉनिकल जो अभी करंटली कीबोर्ड चल रहे हैं उनमें क्या होता है, सिंपली एक मदरबोर्ड लगी होती है या फिर इवन एक ग्रीन कलर की एक लेयर लगी होती है, उसके ऊपर हम सर्टन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके कारण एक इवेंट या फिर एक एक्शन अंदर जाता है। सो ये कीबोर्ड का नाम है IBM मॉडल F। IBM एक बहुत ही वेल नोन कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स बनाती है, और उसके कंप्यूटर्स भी पुराने ज़माने में बहुत चलते थे। और 2023 में जैसा भी करंटली AI का ज़माना चल रहा है तो उसने भी एक नई AI की एप्लीकेशन निकाली है, वॉटसन X। वॉटसन X एक तरीके का AI है जिसमें आप फ्लो चार्ट्स एल्गोरिदम इजीली बना सकते हो, वो भी IBM ने बनाया है। ये जो कीबोर्ड था ये 1994 में बनाया गया था, क्योंकि 1994 में हमने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ले ली थी कि हम ज़्यादातर काम कर सके, क्योंकि इसमें नंबर्स भी हैं इस पोर्शन में, इसमें ऊपर फंक्शनल कीज भी है एंड इवन नीचे स्पेस बार भी है जो कि एक नॉर्मल कीबोर्ड में होता है। इसी के कारण आज तक हमें सारे के सारे वो मिले मॉडल्स, जैसे QWERTY कीबोर्ड या फिर ABCDEFG कीबोर्ड। ABCD का EFG का मतलब है, जैसे फ्रंट पे इधर QWERTY होता है फ्रंट लाइंस पे, उसमें QWERTY की जगह लगता है ABCDEFG, जो कि ज़्यादातर लोग इतना काम नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही रेयर होते हैं। सो that's it for today and I will meet you tomorrow with a brand new video and with a brand new topic. So till then, bye.